चंद समय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। कुएं में गिरने से दो युवकों की मौत, महानरेगा के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जिया। शीतला माता जी मंदिर की प्रतिष्ठा में उमड़ा आस्था का सैलाब, छात्रों ने अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। आर्यवीरों एवं आर्य वीरांगनाओं ने दी यज्ञ में आहुतियां, जिला कलेक्टर ने किए सुंदर माता के दर्शन। हनुमान जी का दो दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न, बाल संस्कार शाला के नए सत्र का हुआ शुभारंभ और हल्की बूंदाबूंदी से मौसम हुआ सुहावना। अब समाचार विस्तार से। कुएं में गिरने से दो युवकों की मौत, सुंदर माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के शिवगढ़ राजपुरा गांव की सरहद में कुएं में गिरने से दो युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जसवंतपुरा के एएसआई हजूर खां मैं जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को कुएं में से बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतपुरा की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ से पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जसवंतपुरा पुलिस थाना में रमेश कुमार पुत्र वीराराम जाति भीम निवासी राजपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसका खेत व कृषि कुआ गांव राजपुरा में आया है। कृषि कुएं पर पिछले दो वर्ष से भट्टाराम पुत्र सोवाराम जाति भीम उम्र 25 वर्ष निवासी दांतलावास व ईशाराम पुत्र जोयताराम जाति भीम उम्र 27 वर्ष निवासी पावली कृषि कार्य करते हैं। आज दोपहर 2 बजे पंप सेट खराब होने की वजह से भट्टाराम रस्से की सहायता से कुएं में उतर रहा था तथा ईशाराम कुएं से बाहर रस्से को थामे हुए था। अचानक भट्टाराम कुएं में गिरने से रस्से में ढील पड़ने से ईशाराम भी कुएं में गिर पड़ा, जिससे सीमेंटेड फर्श व सबमर्सिबल मोटर व कुएं में लगे कृषि उपकरण की चोटें लगने से दोनों युवकों की मौत हो गई। मनरेगा के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जिया। सांचौर से बाबूराम सुथार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के सभी लोगों को रोजगार मिले, जिसके लिए हर प्रयास व मुहिम चलाई जा रही है। ऐसा ही उदाहरण है महानरेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन एक ऐसा ही मामला सांचौर तहसील के नेलोर ग्राम पंचायत के काटोल गांव का सामने आया है, जहां फर्जीवाड़े की सीमा को ही पार कर दिया। यही नहीं, महानरेगा की 3 लाख रुपए की राशि व बिना कार्य कागजों में ही बताकर फर्जी मिस्टॉल की भरपाई कर दी गयी। वही गाँव के सार्वजनिक शमशान भूमि में भी साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए का गबन किया है। ज्यादातर उन महिला एवं लोगों के नाम है जो राजस्थान राज्य में न रहकर बाहर की राज्य में रहते हैं। उन्हीं के नाम पर महानरेगा की राशि और चारागाह योजना के तहत भी 90,000 की राशि बिना कोई कार्य किए उठाई गई है। यह फर्जीवाड़ा भ्रष्ट अधिकारियों समेत महानरेगा की मैट ग्राम विकास अधिकारी सरपंच पंचायत समिति के ईएन भी इस भ्रष्टाचार के मुख्य अधिकारी ही हैं, लेकिन यही अधिकारी नरेगा के नियमों की अनियमितताएं करे तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। शीतला माताजी मंदिर की प्रतिष्ठा में उमड़ा आस्था का सैलाब, माहौर से सुरेश गर्ग रोटला की रिपोर्ट के अनुसार मंगल गान गाती महिलाएं ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि के साथ शीतला माता जी के गूंजते जयकारे, कमोवेश ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। बिजली गाँव में मौका था व माता शीतला मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का, जिसके तहत प्रथम दिवस शुक्रवार को भव्य जागरण महोत्सव का आगाज हुआ। कलाकारों ने भजनों की भक्तिमय प्रस्तुति दी। वहीं बोली देवताओं ने पंडितों के आचार्यत्व में हवन यज्ञ किया तथा पूर्णाहुतियां दी। मंदिर में मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के बाद शिखर कलश व ध्वजारोहण किया गया। बीआर पटेल धाना ने बताया कि धर्मसभा में धूमड़ा मंदिर की मोहिवाड़ा मठाधीश राज भारती जी महाराज के आतिथ्य में कई संतों ने शिरकत कर ग्रामीण को धर्म संस्कृति व आध्यात्मिक के उपदेश के लिए महोत्सव में धाणा भोड़ा रामा बरवा नीलकंठ गैलावास बाला बरवा रेवड़ा बांकली भाद्राजून पाली बाड़मेर जिले के निकटवर्ती गांवों से ग्रामीणों ने प्रतिष्ठा महोत्सव में नवीन स्थापित मूर्तियों की आराधना कर सर्वमंगल की कामना की। छात्रों ने अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। जालौर से उजय शिलावट की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को छात्र हित में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों ने ऑनलाइन फीस भरने एवं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की दिनांक 24 जून से बढ़ाकर 30 जून करने के लिए आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के नाम पीजी कॉलेज जालौर के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिससे नवागंतुक छात्र परेशानी से बच सके। छात्र हित में NSUI की तरफ से
इस प्रकार का संघर्ष और प्रयास जारी रखने की बात कही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जालौर की साइला पंचायत समिति के उनड़ी गांव में माली समाज के लोगों द्वारा चार धाम की यात्रा करके वापस लौटने पर परिवार और ग्रामवासियों द्वारा स्वागत कर बधाई दी। साथ ही समाज के समर्थाराम और भारताराम जी, छत्राराम जी का परिवार के सदस्यों ने फूल माला पहनाकर नारियल के साथ एवं ढोल धमाके के साथ स्वागत किया और ढेरों बधाई दी। जालौर से उजय शिलावट की रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों आर्य वीरों एवं आर्य वीरांगनाओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर आर्य संस्कृति एवं सभ्यता में आस्था रखाए हुए वैद्य आधारित विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने, सतत व्यायाम, प्राणायाम एवं सत ग्रंथों का स्वाध्याय करने का संकल्प लिया। आर्य वीर दल के महामंत्री शिवदत्त आर्य ने बताया कि आर्य वीर दल एवं आर्य समाज के संयुक्त तत्वाधान में 10 जून से 23 जून तक आयोजित किए जा रहे युवा चरित्र निर्माण एवं संस्कार शिविर के अंतिम दिन के प्रातः कालीन सत्र में संकल्प यज्ञ का आयोजन आर्य समाज लालपुर के प्रधान विनोद आर्य के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर आर्य वीरों एवं वीरांगनाओं ने वैदिक रीति से यज्ञ रचा कर मंत्रोच्चार से विश्व शांति एवं कल्याण हेतु आहुतियां दी। इसी अवसर पर यज्ञोपवीत धारण करवाते हुए आयुर्वेद यजुर्वेद की महत्ता की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर आर्य समाज जालौर के प्रधान दलपत सिंह आर्य, आर्य वीर दल की अध्यक्ष कृष्ण कुमार, संचालक प्रशांत सिंह, संगठन मंत्री कांतिलाल आर्य, विशिष्ट आर्य वीर मोहनलाल आर्य, छगन आर्य, पार्षद भरत मेघवाल, कृति सुशीला खत्री, अंबिका प्रसाद तिवारी, कन्यालाल मिश्रा, पुष्पेंद्र परमार, कुपाराम आर्य, अर्जुन कुमार, भरत कुमार, देवेश कुमार, दिनेश पालीवाल, साक्षी खत्री सहित सैकड़ों आर्यवीर एवं आर्य वीरांगना उपस्थित थे। जिला कलेक्टर ने किए सुंदा माता के दर्शन। सुंदा माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर महेंद्र सोरेन ने शनिवार को परिवार सहित जिले की ऐतिहासिक तीर्थ धाम सुंदा माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर में स्थित भूरेश्वर महादेव के दर्शन किए। कलेक्टर सोनी ने माता जी के जिले भर में खुशहाली की कामना की। इस दौरान लोगों ने कलेक्टर से मिलकर समस्याओं से अवगत भी कराया। हनुमान जी का 2 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। रंजन सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के अनुसार भाद्राजून क्षेत्र के भवरानी गांव में लसौसी की ढाणी पर हनुमान जी मंदिर के 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। प्रथम दिन जल कलश यात्रा से आगाज किया, जिसमे गाँव स्थित तालाब से विधिवत रूप से जल भर कर विभिन्न मार्गों एवं मोहल्लों से होते हुए गाजी बाजी व डीजे के साथ युवा युवतियां व महिला नाचती गाते हुए पुनः मंदिर स्थल पर पहुंची। वही रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। दूसरे दिन चढ़ावे के लाभार्थियों ने मूर्ति स्थापना एवं ध्वजा दंड कलश स्थापित किया, जिसमें गांव के आचार्य गजेंद्र दवे के नेतृत्व में वेदाचार्य राकेश दवे, कर्म आचार्य मनोज दवे साराणा व चंद्रशेखर रायथल पंडित और के मुखारविनों से वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाल संस्कार शाला के नए सत्र का हुआ शुभारंभ। चेन्नई से बक्सिंग बागरा की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय साहूकार पेट क्षेत्र के समुद्र मुद्दी स्थित खेतेश्वर भवन के प्रत्येक रविवार को संचालित होने वाले राजपुरोहित बाल संस्कार शाला की गत 2 माह से ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात रविवार को पुनः नए सत्र के रूप में प्रवेशारंभ हुआ। इस अवसर पर विद्या शुभारंभ, संस्कार यज्ञ सहित कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेतेश्वर भवन के पुजारी मुरली शर्मा व हरिराम शर्मा ने मंत्रोच्चारण कर विद्या की देवी सरस्वती, शिक्षा सारथी गुरुवर संत आत्मानंद जी महाराज गुरुवर खेतेश्वर महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विशेष पूजा अर्चना कर नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिलवाया एवं विद्यार्थियों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इसी अवसर पर राजपुरोहित बाल संस्कार शाला के पदाधिकारी मेघराज दून, प्रभुराम नरसाणा, बॉक्सिंग बागरा, शंकरलाल रायपुरिया, नंद किशोर मनोरा, नारायण सिंह उन, चंपालाल साकरना आदि मौजूद थे। हल्की बूंदा बूंदी से मौसम हुआ सुहावना। जालौर से उजय शिलावट की रिपोर्ट के अनुसार
रविवार को सुबह से उमस भरा दिन रहा, लेकिन शाम होते होते मौसम ने करवट ली। दोपहर की तेज गर्मी के बाद हल्की अंधड़ के साथ बूंदाबूंदी हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई, जिससे शहरवासियों को गर्मी से राहत महसूस हुई। समाचार लिखे जाने पर बूंदाबूंदी। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौर शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।